फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों पर। रीवा से एसएससी की तैयारी करने गए दो दोस्त बन गए लुटेरे। जबलपुर में महिला से छीने रुपए, पुलिस ने गांव से पकड़ा दोनों आरोपियों को। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों की अर्पण शुक्ला निवासी मिश्रागमा और अभिषेक शुक्ला के रूप में हुई पहचान। सोशल साइट से दोस्ती कर रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। पकड़े गए आरोपी की अभिषेक मिश्रा के रूप में हुई पहचान। रेवांचल बस स्टैंड का छज्जा गिरा। बाल बाल बच्चे यात्री जर्जर हालत में है बिल्डिंग। गत दिवस झमाझम बारिश के चलते पुराने बस स्टैंड के बिल्डिंग का गिरा छज्जा। नशीली कफ सिरप बेचने वाले आरोपियों को 11-11 वर्ष की जेल। कोर्ट ने सुनाया फैसला। 1-1 लाख रुपयों का लगाया जुर्माना। आरोपी लाल सिंह निवासी आदमपुर और जयपाल यादव निवासी बेगमगंज रायसेन से जब्त हुई थी भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप। दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। मंगवा थाना क्षेत्र के रगौली निवासी मुसलमान पिता हनीफ मुसलमान के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से चोरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों को किया बरामद। बड़ी चोरी की फिराक में थे आरोपी। पकड़े गए आरोपियों में अभिषेक साकेत दिलीप स्वीपर शामिल। शहर में नगर निगम की बिना अनुमति के किए जा रहे थे अवैध निर्माण पर शक्ति का अभियान जारी। अवैध निर्माण पर निगम ने जब्त की सामग्री। वार्ड नंबर 41 में शिकायत मिलने के बाद की गई कार्रवाई। दूसरे चरण की मतगणना 20 को तैयारी में जुटा प्रशासन। मतगणना तैयारियों की होगी आज समीक्षा। ऑनलाइन मत फील्डिंग का प्रशिक्षण आज। शहर के मॉडल साइंस कॉलेज में जिला स्तरीय युवा पंचायत का आयोजन। सामाजिक रूप से रीवा को आगे ले जाए युवा। कलेक्टर ने कॉलेज के छात्रों से किया आह्वान। सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग से तय होगी अधिकारियों की रैंकिंग। टीएल बैठक में प्रकरणों की हुई समीक्षा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने ग्रेडिंग के आधार पर सीआर लिखने के दिए निर्देश। जवा तहसील के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित चौखंडी की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न की कालाबाजारी का आरोप। खाद्यान्न के लिए दुकानों का चक्कर काट रहे गरीब। लो वोल्टेज की समस्या से परेशान रहवासी कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों की बिजली लो वोल्टेज से हुई समस्या। कोतवाली थाना क्षेत्र के लोही में अज्ञात व्यक्तियों ने युवक का मोबाइल और पर्स छीना। पीड़ित अनिल शुक्ला की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेका में किशोरी का अपहरण। परिजनों की शिकायत पर पुलिस तलाश में जुटी। मकान का किराया लेने पहुंची महिला के साथ गाली गलौज मारपीट। पीड़ित सुनीता मिश्रा की शिकायत पर विजय मिश्रा विमला मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज। चुराटा थाना क्षेत्र के मैदानी गांव का मामला। स्टोन क्रेशर में बदमाशों का धावा। मोटर पंप चुरा ले गए बदमाश। अरुण कुमार गौतम के स्टोन क्रेशर बनकुया में हुई चोरी की वारदात। सराफा दुकान में मारपीट। ज्वेलरी बनवाने के पुराने विवाद को लेकर हुई घटना। पीड़ित मुनेंद्र नाथ त्रिपाठी के साथ मनोज सोनी कल्लू सोनी ने दिया वारदात को अंजाम। समान थाना क्षेत्र के संजय नगर मोड़ के पास का मामला। पुलिस जांच में जुटी। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के बरहा टोला चीकर में हुई घटना। शिवधारी कुशवाहा आया करंट की चपेट में, हुई मौके पर मौत। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के भक्ति चौराहे से विनय कुमार मिश्रा की बाइक चोरी। पलक झपकते ही बदमाशों ने किया पार। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस तलाश में जुटी। सिमरिया थाना क्षेत्र के अटरिया निवासी बलराज प्रसाद द्विवेदी के खेत से केबल तार डिलीवरी पाइप एवं अन्य सामग्री चोरी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। सिमरिया थाना क्षेत्र के शाहपुर में धोखाधड़ी का मामला आया सामने। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। युवती के साथ दुष्कर्म लौर थाना क्षेत्र के जोधपुर में हुई घटना। पीड़िता की शिकायत पर दिनेश प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। रिश्तेदारी में आई युवती को आरोपी ने बनाया हवस का शिकार। चुनाव परिणाम आने के बाद जिले में जारी है मारपीट की घटनाओं का सिलसिला। हनुमना थाना क्षेत्र के चिरैया में कौशल्या जायसवाल के साथ जानकी जायसवाल और परिवार के लोगों ने की गाली गलौज मारपीट। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुहागी थाना क्षेत्र के अंजोरा निवासी बसंत कुमार हरिजन ने उठाया आत्मघाती कदम। कारण अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी। पुराने रंजिश को लेकर मारपीट। चने थाना क्षेत्र के चंद्रपुट में हुई घटना। सीमा सिंह के साथ संतोष कंचन उर्मिला सिंह ने की मारपीट। विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी। पुलिस जांच में जुटी। किशोर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पनवार थाना क्षेत्र में हुई घटना। मृतक हिमांशु कोल ने उठाया आत्मघाती कदम। पुलिस जांच में जुटी। और जिले में जारी है सट्टा कारोबार। अमैया पुलिस ने फैजुल्ला धर्मशाला के पास दबिश देकर सटोरिया को किया गिरफ्तार। पकड़े गए सटोरियों की दीपक सोधिया निवासी अमैया पावर हाउस के रूप में हुई पहचान। आरोपी से नकदी सहित सट्टा पर्ची हुई बरामद। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।